सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और तभी शेर आ गया। बकरी ने कहा, भैया शेर, मेरा अभी अभी बच्चा जाया है, मैंने छोटा है, अभी मेरा दूध भी नहीं पिया, इसे तो छोड़ दे। शेर बोला, दया मनुष्य में होती है, हम शेर हैं, हम में दया नहीं होती, हमें दया का पाठ ना पढ़ाओ। बकरी, ये हमारा भोजन है, हमें खाने दो। और शेर गया, उस बकरी के बच्चे की गर्दन दबाया। बकरी बेचारी रोती रह गई, मेरे बच्चे को इसने मार डाला। शेर के अंदर दया नहीं है। गाय का बच्चा होता है वो तुरंत जाकर खा लेता है, जंगली भैंस का बच्चा होता है तुरंत जाकर वो खा लेता है, वो निर्दयी है। शेर दया नहीं है, क्योंकि वो जानवर है। और यदि इंसान होकर तुम दया ना करे तो भैया, निर्दयी बनने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं। तुम हर जन्म में बिल्ली चूहे को कैसे मार डालती, उसे दया नहीं आती। बिल्ली चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले पे रखे था कि चिड़िया उड़के गई दाना लेने। दो छोटे छोटे बच्चे थे, बस वो उड़ने ही वाले थे, तब तक बिल्ली पहुंच गई घोंसले में और दोनों बच्चों को मार डाला। क्यों भैया? ए बिल्ली, चिड़िया ने दूर से कहा, ओ बिल्ली, तेरी भी बच्चे होते हैं, मेरी भी बच्चे हैं, तू भी माँ है, मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे क्यों खाती है? बिल्ली बोली, ये दया का पाठ ना पढ़ाओ, अभी हमें भूख लगी है। बिल्ली जब भूखी होती है तो उसके अंदर दया नहीं आती, उसके अंदर दया नहीं होती। शेर भूखा होता है तब उसके अंदर दया नहीं होती, लेकिन इंसान ऐसा है कि भूखा रहे तो भी उसके अंदर दया रह सकती है। तो निर्दयी बनने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, दयावान बनने के लिए तो सिर्फ मनुष्य का तन है। निर्दयी बनने के लिए तो बहुत सारे जन्म हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब निर्दयी ही तो हैं। बोलो, कुत्ता को बिल्ली मिल जाए तो पकड़ के खा जाता है, बिल्ली को चूहा मिल जाए पकड़ कर खा जाता है। क्या बताएं, ये 84 लाख योनियों में अधिकाधिक जो योनियां हैं सब निर्दयी हैं। निर्दयी बनने के लिए तो बहुत योनियां हैं, पर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया तो तुम केवल मनुष्य के तन से ही कर सकते हो, तो दया का धर्म निभा लो, यही इस मानव तन की सार्थकता है।